May mga magkaray pa at لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى આપણે 9 દિવસ થઈ ગયા આપણે એક मौजू पर चर्चा કરી રહ્યા છે ઈ સિલસિલાની અંદરમાં આગળ વધતા કોશિશ કરશું કે આજની મજાલિસની અંદરમાં જે છેલ્લો નુક્તો બયાન કરવાનું છે એને આપણે બયાન કરી દઈએ અને આપણે એક કન્ક્લુઝન તરફ રેઝ્યુમે આપીને આપણે એક કન્ક્લુઝન તરફ લઈ આવે कि आपणो मकसद अने हदफ आ बधी मजालिसोनो आज सुधी शुं हतुं। आपणे ए हदीसनो सहारो लीधा हता कि जेनी अंदरमां आपणा त्रीजा इमाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद फरमावे छे अन्नासु अबीदुद दुनिया वद्दीनु लाकुन अला अलसिनतिहिम यहूतूनहु मा दर्रत मआइशुहुम فإذا محسوا بالبلاء قل الديان. એમનો તર્જુમો પણ આપો અને ઇન્શાલ્લાહ આપણે આગળ વધીએ. આપણા ત્રીજા ઇમામ ફરમાવી રહ્યા છે કે માનસો દુનિયાના ગુલામ બની ગયા છે. માનસો દુનિયાના ગુલામ બની ગયા છે. વદીનુ લાકુન અલા અલસિનતિહિ અને દીન ફક્ત આ લોકોની જબાન ઉપર છે. જેવી રીતના એક ચાટવાની વસ્તુ હોય यहूतूनहु मा दर्रत मआइशुहुम ज्यार सुधी ई वस्तु आ लोकोने मीठी लागे छे ज्यार सुधी ई दीन आ लोकोना दुनिया साथे आ लोकोने काम आवे छे तो आ लोको दीन ने कबूल करे छे या दीन नी निगाहदारी करे छे। फइदा मुहिसु बिल बला कल्लत दयान पण ज्यारे आ लोकोने इम्तिहान मां राखवामां आवे छे तो बहु ओछा एवा छे के जे वाकई अने साचा दिनदार छे। अपने आना बारामा चर्चा करता था अने बयान कर्या हता। आजनी मजालिस इंशाल्लाह हूँ कोशिश करीश के एमनो त्रण भाग विचार तो एम हतो के त्रण भाग करवानो हतो पण जे तकरीरे आपरा करीम भाई माशाल्लाह एमनी सलामती माटे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद અરબાઈનના બારામાં બયાન કર્યા હતા. મને લાગે છે જે મને બયાન કરવાનું હતું એ બયાન થઈ ગયું છે. तो मैंने एम हतुं त्रण भाग करवानो हतो अरबईन बारामां वात करवानो हतो पछी आपणो मौजूने कन्टिन्यू करवानो अने त्रीजा भागमां आपणे आखुं एने रेज्युमे करवाना हता। पण फकत आ अरबईन बारामां हूँ एक नानकड़ी वस्तु बतावीने हूँ एना उपरथी पसार थई जाऊं। आजनी रात एवी रात छे के जे लोको सौ सौना गामथी नखरेला या जे जव्वारो नजफथी नखरेला कोशिश करता होय के आजनी राते करबला सुधी पहोंची जाता होय। आपणा तकदीरमां ई लखेलुं हतुं के आपणे अहींया आववानुं हतुं, पण हूँ तमने पेली रातना बयान कर्यो हतो, बधाने इंशाअल्लाह याद हशे के आ फर्शे अजा उपर आवुं एमनी फजीलत ओછી नथी के जे लोको करबला लोको पहोंच्या छे। आ फर्शे अजा उपर आवुं एवुं हतुं के इंसान इमाम हुसैननी जियारतमां जाय छे। तो जे लोको इमाम हुसैननी जियारतमां पहोंच्या छे आ लोको ई वस्तुने महसूस करी रह्या हशे के अरबईन अने करबलानुं शहर छे इमाम हुसैनना मोहिबथी भराई गया छे। आपणे खुदा पासे दुआ करे के आवता वर्षे आपणे बधाने इमाम हुसैननी जियारत नसीब करे अने खास मां खास आपणे बधाने आपणा कब्रनी अंदरमां कयामतनी अंदरमां इमाम हुसैननी शफाअत नसीब थाय। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फकत एक वस्तु छे के जेवी रीतने अमना बयान करवामां आव्युं के जियारते अरबईन ए ताकीद आटली करवामां आवी छे के आपणा अइम्माथी आपणे हदीसो मळे छे के जे मानस इमाम हुसैननी जियारते अरबईन परे छे एटले अरबईनो दिवसनु जियारत परे छे ए एक मोमिननी निशानीओमांथी छे। तो इंशाअल्लाह आपणे कोई त्याज्या नथी, काले साथे मळीने आ इमाम हुसैननी जे खास जियारत छे एमने परसो। तो कहेवानुं फकत ई छे के जेटलुं बनी सके जेटली कुर्बानी आपवी पड़े कुर्बानी आपीने हाजरी आपजो अने आपणे साथे मळीने आ इमाम हुसैननी जियारतने परे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आपणा गेकालना मजालिसनो राबतो करवा माटे आजना मजालिस साथे तमारा समक्ष हूँ एक सवाल राखवाने चाहूँ छूँ कि जेनी अंदर मां आपणे इमामनी मारिफत अने इताअत बारामां वात कर्या हता। तो आजनी मजालिसनी शरूआत मारो सवाल ई थाय छे के इंसानने इमामनी साची मारिफतनी शुं जरूरत छे। आपणे मारिफतनी वात कर्या अने ई बताव्या हता के जे लोको करबलामां इमाम हुसैनना सामे हता मुसलमान हता, इमामने ओळखता हता, इमामनी मोहब्बत पण हती, पण एक वस्तु आ लोकोनी अंदरमां नहोती, ई छे के इमामनी इताअत नहोती आ लोकोनी अंदरमां। जे हकीकी मारिफत छे ई आ लोकोनी अंदरमां नथी के आ लोको आवुं काम करी नहीं। तो आज सवाल ई पेश थाय छे के आ साची हकीकत साची अने हकीकत मारिफत राखवुं आपणे एनी अंदरमां शुं फायदो मळे छे। आनो फायदो आपणे 10 दिवस थई गया बयान करी रह्या छे अने ई छे जे हदीसनो आपणे सहारो लीधा हता के जेनी अंदरमां आपणा त्रीजा इमाम फरमावे छे के दीन आ लोकोना ज़बान उपर छे, ज्यार सुधी आ लोकोनुं जीवन चाले छे त्यार सुधी दीनने आ लोको कबूल करे छे। बीजा शब्दोनी अंदरमां इमाम आपणे आ हदीसनी अंदरमां कहेवा मांगे छे के इंसान आ लोकोना जीवनने चलावी रह्या छे, जिंदगी बसर करी रह्या छे, ज्यार सुधी के आ लोकोना जिंदगीमां अने आ लोकोना दुनियामां अने दीनमां जो टक्कर नथी, जो कॉन्ट्राडिक्शन नथी, जो बेरास्ता नथी थई जाता, तो आ लोको दीनने कबूल करे छे अने आ लोकोना दुनियामां आ वस्तु आफिकते नथी थती। अने आनो एग्जाम्पल जो आपणे लेवुं होय तो आपणे ई मळे छे के जे लोको मदीना वारा हता, जे लोको मक्का वारा हता, जे लोको कूफा वारा हता, आ लोकोना ज़हનમાં એમ હતું કે આ લોકો સૌથી સારામાં સારા હતા। આ લોકોના ઝહનમાં અને વિચારમાં એવું હતું કે આ લોકો કારણ કે દીને ઇસ્લામને કબૂલ કરી નાખ્યા હતા, નમાઝને પરી રહ્યા હતા, તો આ લોકો જેવા સારા નહોતા અને સૌથી સારામાં સારા આ લોકો હતા। पण જ્યારે इम्तिहान आ लोकोना सामे खुदा तरफथी आवे छे तो बहु जाजा एवा लोको हता या मेजोरिटी आ लोकोमांथी एवा हता के जे आ इम्तिहान ने पास नोता कर्या। मेजोरिटी आ इम्तिहान ની અંદરમાં कामयाब नथी थया। तो એટલે જ આપણા માટે એક રિપેર બને છે કે જે કરબલામાં બનાવ બન્યું હતું આપણા માટે એક રિપેર બને છે કે જે रास्ता ऊपर हूँ चाली रह्यो छो मारा दिननी अंदरमां ई सही रस्तो छे। सवाल ध्यानथी सांभळजो, सवाल ई पेश नथी थातो के मारो दिन साचो दिन छे, ना सवाल ई नथी। आ दिननी अंदरमां काई कमी नथी पण जे हूँ आ रास्ताने हूँ लई रह्यो छुं, le chemin que je suis en train de prendre est-il le bon chemin ou pas? सवाल ई पेश थाय छे कि जे रस्ता नी अंदर में हूँ चाली रह्यो छो आनी अंदर में तो काई गड़बड़ नथी ने। अने आनो जवाब आपणे जेनरल में नथी बतावी सकता। हूँ तमने नहीं कहूँ कि तमारो जे रस्तो छे ई साचो छे या खोटो छे, जे मारो रस्तो छे ई साचो छे या खोटो छे। ई इंसान खुद थी सवाल करे, आ इंसान पोतपोताथी सवाल करे अने एमनो जवाब पोतपोताथी देवानो छे कि हूँ जे मारा जीवन नी अंदर में करी रह्यो छो, जे मारा जिंदगी नी अंदर में करी रह्यो छे ई साचो रस्तो छे या खोटो रस्तो छे। तो हवे सवाल पेश थाय पण शेख ई जमानामां आ लोकोनुं इम्तिहान तो ई हतुं के आ लोकोने इमामनो साथ आपवानुं हतुं। इमामनो साथ ना आप्या, आजे तो इमाम गैबतमां छे। तो आपणो इम्तिहान आखरमां शुं छे? ई जमानामां आ लोकोनुं इम्तिहान ई हतुं के इमामनो साथ आपवानो हतो अने इम्तिहानमां पास ना थया कारण के इमामनो साथ नथी आप्यो। तो आजे आपणो इम्तिहान शुं छे के आपणे खबर पड़े के जे आपणे रस्तो लई रह्या छे ई साचो छे या खोटो छे। आनो जवाब एक जुमलानी अंदरमां छे, एक जुमलो। अने जुमलो ई छे के दररोज सवारना ज्यारे आपणे उठे छे ने तो ई दिवस आपणा माटे इम्तिहान छे। दररोज सवार જ્યારે આપણે ઉઠે છે ત્યારે ઈ દિવસ આપણા માટે ઇમ્તિહાન છે। એની અંદરમાં ઇન્સાન ઈ જોઈ રહ્યો કે પોતે ખુદાની કેટલી ઇતાઅત કરે છે અને ખુદાની કેટલી નાફરમાની કરી રહ્યો છે। તો આ ઇમ્તિહાનનો જવાબ એમને ખુદ બેખુદ મળી જશે। est-ce que ઇમામની જે ઇતાઅત છે इमामे जमाना जे आपणे जोई रह्या छे ई मारा अमलथी राजी छे के राजी नथी? दररोज सवारना आ सवाल मारा ઝહેનની અંદરમાં હોવું જોઈએ અને એમનો જવાબ દરરોજ રાતના સુવામોર મને દેવું પડે છે કારણ કે જો હું આ જવાબને નથી આપતો તો મને ખબર નથી પડતી કે હું મારા ઇમ્તિહાનની અંદરમાં રેયુસિત મળે છે કે નથી મળતું। મને આનો જવાબ જો હું આપી શકીશ तो मने खबर पड़शे के जे हूँ रस्तो लई रह्यो छो ई साचो रस्तो छे या साचो नथी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आ पहलो तरीको। बीजो तरीको के इंसान જ્યારે આ સવાલ એનામાં કરે છે તો એનો જવાબ એમને ખપતો હોય તો एकदम नो आसान छे। પોતપોતાથી સવાલ करे कि जो इमाम अटाने जहूर फरमावे जे इन्विटेशन इमाम मने मोकलावशे इंशाल्लाह खुदा आपणे बधाने इमामना इन्विटेशन ने नसीब करे। पण जो इमाम जहूर फरमावे अने जो मने इन्विटेशन मोकलावशे साथ देवू तो अलग बात छे पण जो पोते સામેથી इन्विटेशन मोकलावशे आपणे કહેતે ફેર પાર મોકલાવશે est-ce que આનો જવાબ मुस्बत हसे कि मनफी हसे? पॉजिटिव हसे कि नेगेटिव हसे? हाँ हसे कि ना हसे? जबान पर कही देवू कि जो इमाम जहूर फरमावशे तो हूँ एमने साथ आपीश। आ कही देवू तो बधाई जबान पर कही सके छे। कूफावाराओ पण कही रहा हता, पत्र पण मोकलाव्या हता इमाम हुसैन ने कि मौला अमे तमारा इंतजार में छे, तमे आवो, तमारी वात जोई रह्या छे। आने जबान पर ले आवू एकदम नी आसान नी वस्तु छे पण अमल पर एस्के आ वस्तु सही छे या खोटे जे मारा जिंदगी अंदर में जो आ सही होय तो खुदा आपणे बधाने मुबारक करे, पण जो खोटी होय तो आपणे पोतपोताने धोखा आपी रह्या छे। कि जो इमाम ज़हूर फरमावशे तो एसके हूँ आजे मारा काम एवा छे, मारा अमल एवा छे, मारा दिवसों एवा छे कि हूँ इमामनो साथ आपवाने तैयार बनी सकू छू या ना, एसके हूँ तैयार छो के तैयार नथी। अने आनो जवाब देवा माटे ज आपणे आपणा मौजूने रलीए करे, पण ई सवालने आपणे भूलता नहीं कि जो इमाम आवे तो आपणे एमनो साथ आपशो या आपणे अलोकोना शुमारमांथी थाशो के जेने ओले खुदा कुराने मजीदनी अंदरमां करे छे। सूरे आराफ chapitre 7 verset 51 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन। आ लोकोमांथी एवा छे के जे अलोकोना दीनने रमत गमत माटे लई रह्या छे। Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu. એટલે ફક્ત દિવસ પસાર કરવા માટે દીનને કબૂલ કરે છે, ફક્ત રમત ગમત માટે દીનને કબૂલ કરે છે। એસ્કે મારું શુમાર આ લોકોમાંથી હશે યા અલોકોમાંથી હશે કે જે ઇમામનો સાથ આપશે? કારણ કે જો આ લોકોમાંથી હશે તો નતીજો બહુ ખરાબ છે। وغرّبهم الحياة الدنيا وغرّتهم الحياة الدنيا। कारण के आ दुनिया की जिंदगी अलोकों ने एवी रीतना एना अंदर में खेंची लीधो हतो कि अलोको ई वस्तु ने भूली गया हता कि अलोको एक दिवस खुदा ना सामे जावाना छे। فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا। अने ई दिवस अमे पण अलोकोने भूली जाशो जेवी रीतना अलोको अमने भूली गया हता। तो सवाल पेश थाय छे कि आपणे क्या कोतेमांथी थाशुं। अने आ ज वस्तु आपणा त्रीजा इमाम एमना हदीसमां फरमावे छे कि इंसान दुनियाना गुलाम बनी गया छे। આપણે એક નાનકડું એક બે મિનિટમાં જો રેઝ્યુમે આપે આ 9 મજાલિસની અંદરમાં આપણે શું બયાન કર્યા તો આપણે એમાંથી મળે છે જેની અંદરમાં ઇમામ ફરમાવે છે અન્નાસુ આબીદુ દુનિયા। આબદ જે શબ્દ છે એને પણ આપણે તર્જુમો કર્યા હતા, દુનિયાને પણ આપણે ડિફિનિટ કર્યા હતા। અબ્દ એનું માના થાય છે અને સિગ્નિફિકેશન થાય છે કે પોતે સુમિશનમાં હોય, એનો કોઈ મૌલા છે। इमाम के छे अन्नासु अबीदु दुनिया, मानसो दुनियाना गुलाम बनी गया छे। एटले दुनिया अलोको करताथी मोटी थई गई छे अने अलोको दुनियाथी नाना बनी गया छे। कारण के आपणे बताव्या हता के आ दुनिया खराब छे के सारी छे। एनी अंदर आपणे बताव्या हता के आ दुनिया खराब नथी, एमनी मोहब्बत पण खराब नथी, पण एमनी मोहब्बत त्यारे खराब थई जाय छे ज्यारे इंसान एमनो गुलाम बनी जाय छे। अने ज्यारे इंसान दुनियानो गुलाम बनी जाय छे तो इमाम फरमावे छे के दीन फकत जबान उपर छे। बोली रह्या छे के मुसलमान छे, बोली रह्या छे के हुसैन प्रति मोहब्बत करी रह्या छे, बोली रह्या छे के हुसैननी मारेफत छे। कारण के ज्यार सुधी मारू दीन अने मारी दुनिया साथे चाले छे तो मने काई वांधो नथी आवतो। ज्यार सुधी मारा दुनियानी अंदरमां मारू दीन एतेफेगे ना करतुं होय तो मने काई वांधो नथी। व मुहिसु फइदा मुहिसु बिल बला। इमाम के छे के ज्यारे इम्तिहान अलोकोना सामे आवे छे तो बहु ओछा छे के जे दीनदार छे। आज बे पहला जुमला छे ने एनो नतीजो आ बे छेल्ला जुमला छे। एना माटे ज आपणे आ बे पहला जुमला उपर एकदमनो भार आप्या हता कारण के आ बे जुमलाने इंसान जो एमने समजवुं होय तो एना उपर ઊંડાણમાં કરવું પડે છે, ત્યારે બે આ છેલ્લા जुमला एने समज पड़े छे। રેઝ્યુમેમાં इंसान ई एनाथी सवाल करे कि જ્યારે एना दीनमा अने एमना दुनियामा एमना जीवनमां જ્યારે કોન્ટ્રાડિક્શન આવે છે तो पोते क्यों रस्तो लिए छे? अलीनो रस्तो लिए छे हसन नो रस्तो लिए छे, हुसैन नो रस्तो लिए छे या एमने दुनिया नो रस्तो लिए छे। इंसान क्या मरहला आ बजी वस्तु केवानो आपरो मतलब ईच बनाव बन्युं हतुं कि इंसान पोताथी समझे कि पोते क्या मरहला मां छे, एमनु रिपेर क्या छे, इसके पोते अलोको मांथी छे कि जे दीन ने इंतेखाब करशे, जे रिलिजन ने इंतेखाब करशे या अलोकोना दुनिया ने इंतेखाब करशे। अने आनु पण तमने एक एग्जाम्पल आपू। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इताअत नी वात बहुत जांजी कोरे आपणे हरेक दिवस जेवी रीते तमने हमना बताव्यो कि ज्यारे मारो जीवन, मारो दिवस ज्यारे चालू थाय छे तो अहींया इम्तिहान छे, त्यारेथी ज मने सवाल करवो जोईए कि जो आजे आ दिवसनी अंदरमां एवो टाइम आवशे कि ज्या मारी दुनिया, मारी लेज़त, मारू प्लेजियर जो मारा सामे आवशे अने ई डेज़ियर ने या ई प्लेजियर ने मारू दिन मनाई करे छे तो हूँ क्या रस्ता ने लऊं छुं? इसके ईज रस्तो लऊं छुं कि जे हुसैन नो रस्तो हतो या ई रस्तो लऊं छुं कि मारा डेज़ियर नो रस्तो लऊं छुं। आ तो बहुत मामूली एग्जाम्पल छे। एक मोटुं एग्जाम्पल के जे आपणे एकदम नु सामे पड़तुं होय ई छे कि ज्यारे इंसाननी जिंदगीमां घणी वखत एवुं बनतुं होय छे, एवा माहौल आवता होय छे कारण के आपणे एवा एनवायरनमेंटनी अंदरमां रही रह्या छे कि ज्यां हिजाबनो एकदमनो प्रोब्लेम पड़े छे। कोई मने आमां कोंथोजेर नहीं करे कि ज्यां हिजाबनो एकदमनो प्रोब्लेम पड़े छे। मारी छोकरीने मने स्कूले मोकलावी छे, स्कूलवाळा के छे मैं हिजाबने कबूल नथी करता, स्कूलवाळा के छे कि अमे हिजाबने कबूल नथी करता। जो एने अमारा स्कूलनी अंदरमां गर्मी होय तो एमनो परदो एने काढवो पड़शे। मारू डिसिजन आनी अंदरमां शुं थाय छे? सौथी सारामां सारी स्कूल छे, सौथी वखणाई एवी स्कूल छे, मारो रस्तो शुं थाय छे? अहींया हूँ तैयार छो मारी छोकरी ने एवा स्कूले मोकलावाने के ज्यां हुसैन ई हिजाब माटे एमनी जान ने कुर्बान करी नाखे छे, या पछी हूँ आपणे ने मळे छे कि जो इंसान ने एवा टाइमे हिजरत करवू पड़े तो हिजरत पण एना उपर वाजिब थई जाय छे। पोते क्यो रस्तो लिए छे, क्यो रस्ताने पोते श्वाजीर करे छे? एस्के आ दुनियानो रस्तो श्वाजीर करे छे या ई रस्तो जेना माटे ज़ैनब आ हुसैनना पैगाમને આપણા સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે? અને આનો પ્રૂફ જો આપણને ખપતું હોય તો સામે ગરીબામાં આપણને મળે છે, ગમમાં આપણે દરરોજ ના સાંભળતા હોય છે, પણ કોઈ આના ઉપર જરાક વિચાર કર્યું છે? ખૈમાઓને બારી રહ્યા છે, ज़ैनब एक खैमा मांथी बीजा खैमा तरफ जई रही छे, सर ऊपर परदो नथी। सज्जाद पासे आवे छे, सवाल करे छे, बेटा सज्जाद आजे तमे इमामे वक्त छो, एस्के हूँ आ खैमानी अंदर मां रहीने बरीने आ दुनियाथी चाली जाऊं या मारा जान ने कुर्बान करीने खैमा मांथी बहार न? आनंदर मतो सवाल जवाब बदे ने खबर छे। इमाम सज्जाद बतावे छे कि जान ने बचावू वाजिब छे, पण एक सवाल जे बीबी ज़ैनब करे छे आपरा माटे ई पहोंचो छे कि ज़ैनब माटे पोतानी जान ने कुर्बान करवी नाखवी आसान हती, पण एना सर उपरथी हिजाब नखरी जावू एने बर्दाश्त नहोतुं थातुं। हूँ आजे जो पोताथी सवाल करतो होय कि इमामे जमानाना लश्करमांथी मने बनवुं छे, इमामे जमाना एवाने लेशे, ए लोकोने नहीं लिए कि जे आ जोजो आनी अंदरमां गलत फहमी ना थई जाए कि जे नमाज पढ़ता होय ई तो हसे इमाम साथे, जे इमामनी मारिफत राखता हशे ई तो हसे इमाम साथे, जे इमामनी मोहब्बत राखता हशे ई हसे इमाम साथे, करबलामा इमाम हुसैन सामे उभा थाय छे आ लोको छे नमाज पढ़ता हता, कुरान पढ़ता हता, मुसलमान हता, इमाम ने ओरखता हता, इमाम प्रति मोहब्बत पण हती, तोय पण इमाम ना सामे उभा थाय छे। तो एवं ना बने कि हूँ पोताने अटलो दीनदार कहूं कि मारा जेवो तो हवे कोई नथी, नमाज पढ़ी रह्यो छो, इमामनी ओरखान पण राखी रह्यो छो, इमामनी मोहब्बत पण छे, पण एस्के आ हकीकी मारिफत छे मारी अंदर मां, हकीकी मोहब्बत छे मारी अंदर मां, या फकत कारण के मारू जीवन चाली रह्यु छे तो बधु चाली रह्यु छे, पण ज्यारे इम्तिहान सामे आवे छे तो पछी मारू श्वासु बने छे। अमुक जुमला मां आपणे आ मजालिस ने कंक्लूड करी, आ 10 दिवसनो जे पैगाम छे एने तमारा सुधी बतावी दो कि इंसान एवा जीवननी अंदर मां, एवा एनवायरनमेंटनी अंदर मां रही रह्यो छे कि जेम दिवस दिवस आगर वधे छे अने इम्तिहान एना उपर वधारे थाता जाय छे, माहौल एवो बनी गयो छे। पण आ इंसान जो पोताने हुसैनी समझतो होय अने जो एनु मकसद ई होय कि एने इमामे जमानाना सिपाहीमांथी बनवुं छे तो आनो जवाब एमने देवो ज पड़शे। अने आ 9 मजालिस जो हूँ बयान कर्यो होय तो एना माटे ज छे कि इंसान पोताथी सवाल करे कि आ जो मारा जिंदगीमां आवे तो हूँ क्यो रस्तो लईश, क्यो रस्तो लईश। फहिजा मुहिसु बिल बला कल्लत दयानु। त्रीजा इमाम फरमावे छे कि ज्यारे अलोकोने बे रस्ताना वचमां श्वाजीर करवुं पड़े छे तो इमाम कहे छे बहु ओछा एवा लोको छे के जे दीननो रस्तो ने इंतखाब करे छे, बहु ओछा एवा लोको छे के जे दीनदार छे। तो आपणे ने आ वस्तु ज़हन मां राखवुं जोईए, आ सवालो दररोजना आपणाथी आपणे सवाल करवो जोईए कि हे इंसान, तारू मकसद आ दुनिया नथी, तारू मकसद आखिरत छे। आ दुनिया तो फकत एना उपर पसार थवानुं छे। जेवी रीतना एक मजालिसमां हूँ या खुतबामां बयान कर्यो हतो ने, आ जे बीमारी आपणा दरमियान फैलाई गई छे एटले दुनियामां जे फैलाई गई छे एनो एक फायदो छे कि जवानो लोको पण समजी गया छे कि एम नथी कि जवान छे तो दुनियाथी नहीं जाए। एनो एक फायदो ई छे कि एम नथी कि जवान छे तो दुनियाथी नहीं जाए, ना जवानु छे पछी 5 वर्ष ना होय, 10 वर्ष ना होय, 25 वर्ष ना होय, 40 वर्ष ना होय के पछी 100 वर्ष ना होय, एक दिवस दुनियामांथी जवानु छे अने क्यारे जवानु छे ई नथी खबर। आपणे बधे कीधुं ए काश खबर होत तो तैयारी करता होत, पण ई नथी खबर आपणे। आ एकाश बोलशो जवाब नहीं आवी जाए। एमनो एक ज रस्तो छे, एक ज सोल्यूशन छे कि इंसान पोताथी हिसाब किताब करे। जेवी रीतना आपणे मळे छे कि तारू हिसाब किताब करी नाख, एनी मोर कि तारू हिसाब किताब लेवामां आवे। जो इंसान आना उपर ध्यान नहीं आपतो, जो इंसान एना उपर भार नहीं आपतो, तो आपणे कही सके छे कि जे रस्तो पोते लई रह्यो छे दीननो ई साचो रस्तो नथी। जो आ वस्तु एमना ज़हनमां ना रहेतो होय तो कोई दिवस पोते जे मकसद छे अने जे हदफ छे एना सुधी पोते पहोंचतो नथी। ई हदफ अने ई मकसद माटे के जे इमाम एमना जानने एना माटे कुर्बान करे, इमाम इमाम पण सामे वारा जयरे दुनियाना गुलाम बनी जाए ने पछी ये नथी जोता के सामे इमाम छे। जयरे दुनियाना गुलाम बनी जाए ने तो ई पण ना देखाय सामे के 3-4 वर्षनी एक नानकड़ी दीकरी छे। जयरे दुनियाना गुलाम बनी जाए ने त्यारे सामे ई पण ना देखाय के एक 6 महीनाना नाना बालक छे। जयरे दुनियाना गुलाम बनी जाए ने तो ई पण ना देखाय कि आ काफलो जे हतो आले रसूल नो काफलो हतो। sallallahu alayka ya babatillah sallallahu alayka ya bana rasulillah sallallahu alayka wa ala alika al-madhlumin ma khaba man tamassaka bikum وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ત્યારે 40માની મજાલિસ આવતું હોય છે, ત્યારે એ મુસીબતને બયાન કરવામાં આવતું હોય છે कि जारे आ काफलो कि जेने करबला थी कूफा सुधी, कूफा थी शाम सुधी असीर करीने लई जवामां आव्युं हतुं, आ लोकोने रिहाई मळी छे अने आजादी। गईकालના ગમમાં હું તમને બયાન કર્યો હતો કે જ્યારે ઇમામ સજ્જાદને યઝીદના દરબારમાં બોલાવવામાં આવે છે તો ઝૈનબ દુઆ કરવા માંડે છે કે ખુદા ઇમામ સજ્જાદની હિફાજત કરે। જ્યારે ઇમામ સજ્જાદ સારા સમાચારને લે છે, તમને ખબર છે કે જ્યારે ઇન્સાનના જીવનમાં જ્યારે પોતે અસીર થઈ જાય છે અને જ્યારે એમને આઝાદી મળે છે ત્યારે એ ખુશીનો ટાઈમ હોય છે કે હવે આઝાદ થઈ ગયા છે, જિંદાનમાંથી નખરી જવાનું છે, પણ સલામ થાય ઝૈનબ ઉપર જ્યારે સમાચાર મળે છે કે હવે જિંદાનમાંથી આઝાદ થઈ ગયા છે। ઇમામ સજ્જાદને એક વસ્તુ કહે છે, બેટા સજ્જાદ, આપણે આજ સુધી આ જે શહદાએ કરબલા છે આ લોકો ઉપર આપણે ગમ નથી કરી શક્યા। યઝીદને કે આપણા માટે એક એવું મકાન તૈયાર કરવામાં આવે કે જ્યાં આપણે આ શહદાનું ગમ કરી શકીએ। જ્યારે गम बरपा थाय छे, त्यारे बीबी ज़ैनब तबर्रुकना तोरमां आजे शोहदा हता लोकोना सरने मंगावे छे अने साथे साथ जे लूंटायेलो सामान हतो एने पण तेरावे छे। त्यारे आ सामान आवे छे, त्यारे आ संदूक आवे छे के जेनी अंदरमां बधी लूंटायेली वस्तु हती। त्यारे ज़ैनब खोले छे तो एनी अंदरमां જોઈ છે કે ચાદરો હતી, બધી બીબીને પોતાની ચાદર સોંપી દે છે। આખિરમાં સંદૂકની અંદરમાં એક નાનકડી ચાદર હતી, જ્યારે એને ઉઠાવે છે તો કબરે સકીના તરફ વગવ કરે છે, કબરે સકીના તરફ રુજુ થાય છે અને કહે છે, સકીના, તને યાદ છે कि तुम मारा पस्ती सवाल करती थी कि फूफी ज़ैनब क्यारे पाछा मदीना जाशो? सकीना, मदीना जावानो टाइम थई गयो छे, चलो हवे आपणे मदीना जाय छे। જ્યારે બીબી ઝૈનબ આ કાફલાને તૈયાર કરે છે, બધી બીબીઓને એક પછી એક મહેમિલ ઉપર સવાલ કરે છે, શાયદ ઈ ટાઈમ કરબલાનો રોગ કર્યા હશે, નાહરે ફુરાત તરફ નુગા કર્યા હશે અને અબ્બાસને બોલાવ્યા હશે કે એ ભાઈ અબ્બાસ, એક એવો ટાઈમ હતો જ્યારે મદીનાથી નખરતા હતા, ત્યારે તમે બધા सवार कही रहा था, पता के वो टाइम थी गयो। ज़ैनब ने बधाने सवार करव पड़े, ज़ैनब बधाने सवार करी दे छे। जारे जोई छे तो बीबीओना वचमां एक बीबी हाजिर नथी, जोई छे तो समझे छे के सकीनानी मां नथी, जाय छे कबरे सकीना पासे, खबर हती के एमनी मां एवा एमने देखाशे। जारे कबरे सकीना उपर आव्या तो जोए छे मादरे सकीना कब्र ऊपर बैठी छे अने कहे छे, ऐ सकीना, हूँ केवी रीतना जाऊ अने अहींया तने अकेली मूकी दऊं। જૈનબ મનાવે છે, એમને સંભાળે છે અને કહે છે માદેરા સકીના હલો હવે જવાનું છે. જે શામની ઓરતો છે આ લોકોને આપણે સોંપી દેશો કે સકીનાની દેખરેખ રાખે. બીબી જૈનબ શામની ઓરતોને બોલાવે છે અને કહે છે કે અમે હવે જઈ રહ્યા છે, પણ તમારા દરમિયાન હુસૈનની અમાનતને મૂકી દઉં છું. જ્યારે હુસૈનની અમાનતનું નામ આવ્યું ત્યારે ઝૈનબને એ વસ્તુ યાદ આવી ગઈ હશે. આશુરનો મેદાન છે, હુસૈન અને ઝૈનબ રૂક્ષતી કરી રહ્યા છે. હુસૈન ઝૈનબને કહી રહ્યા છે એ ઝૈનબ મારી આ 3 વર્ષની અમાનત તને સોંપી દઉં છું, એમનું ધ્યાન તું રાખજે. ઝૈનબ કેવી રીતના શાંતિ ન ખાઈ રહ્યા હશે એ ઝૈનબના દિલથી જ પૂછવામાં આવે. Yeah.